Beryllium jacked with nitrogen to form beryllium nitride. And this is a volatile nitride, only one volatile nitride. Magnesium react with nitrogen, हमने आज ही किया था, it can react with nitrogen to form Mg3N2, magnesium nitride, which is solid. Similarly, calcium, strontium, barium, all are going to form nitrides. Same reactions लिख सकते थे. These nitrides, हाँ जी बेटे. क्या चीज कह रहे हो? Beryllium nitride is covalent, that's why it's volatile ना. बाकी सारे में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया था, इसलिए वो सॉलिड हो गए क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आ रहे हैं लो बॉइलिंग पॉइंट. अब मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वाटर, तो आप याद रखोगे नाइट्राइड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अमोनिया. जितने भी नाइट्राइड्स हैं, अगर इसमें वाटर डालेंगे तो ये आपको देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, यानी अमोनिया प्रिपेयर करने का ये बेस्ट वे है. सिमिलरली फॉस्फाइड्स, इफ वी हैव Mg3P2, इफ रिएक्ट विद वाटर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आपने ध्यान रखना है. फॉस्फाइड्स आर सोर्स ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फाइड्स आर सोर्स ऑफ फॉस्फीन एंड नाइट्राइड्स आर सोर्स ऑफ अमोनिया. फॉस्फीन एक पॉइजनस गैस है, इट कैन किल अ पर्सन. बनानी नहीं है, जैसे अब मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, ये तो पॉइजनस नहीं है और गलती से इसमें पानी चला गया तो वहां पॉइजनस गैस बन जाएगी. इसलिए बी प्रिकॉशनरी, बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि फॉस्फाइड्स को पानी के पास नहीं रख सकते, ठीक है, बनानी नहीं है, राइट. नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद कार्बन. कार्बन -4, कार्बन -4/3, कार्बन -1. तो कार्बन जब आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो कार्बन कैन बी -4, कार्बन कैन बी -4/3, कार्बन कैन बी -1. अगर आपको याद हो तो बेरिलियम कार्बाइड Be2C, इसमें कार्बन पे -1 चार्ज है. CaC2 में कार्बन इज -1 और Mg2C3 में कार्बन इज -4/3. तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये टॉपिक कराया था मैंने आपसे कहा था मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, लेकिन स्टिल करा ही देती हूं. बताओ जी, याद है कुछ? बेरिलियम कार्बाइड प्लस वाटर क्या बनता था? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन. तो हमें पता है कि जिन कार्बाइड्स में कार्बन -4 होता है दोज आर गोइंग टू गिव अस मीथेन. जिनमें आपके पास कार्बन -1 होगा दोज आर गोइंग टू गिव अस एसिटिलीन, CH(CH). And if carbon is going to be -4/3, Mg2C3 plus water, we are going to get magnesium hydroxide plus propyne, allylase, CH3C(CH). इनको हम बोलते हैं allylates. These are called acetylides. And the first is called methanides. तो कार्बाइड्स किसका सोर्स बन गए? हाइड्रोकार्बन्स का. कार्बाइड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स. जैसे नाइट्राइड से अमोनिया बनाया, हाइड्राइड से हाइड्रोजन बना ली, फॉस्फाइड से फॉस्फीन बन जाता है.
The same way carbides can be used to prepare carbon compounds, hydrocarbons. अब बेटा आपके पास अगला जो टॉपिक है दैट इज नॉट टू बी डिस्कस्ड. एक्चुअली आपको समझ आ ही जाएगा जब मैं कहती हूँ M प्लस HCl. आप सबको पता है क्या बनेगा, मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यू नो दिस रिएक्शन. मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, यू नो दिस रिएक्शन ऑल्सो. तो आपको पता है कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल प्लस एसिड, ये सारी रिएक्शन आपको आती है. अब क्वेश्चन ये है कि जब हम M के साथ HCl डालेंगे तो MCl2 प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा. अब मेटल क्लोराइड्स का ये क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सेम वे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बन जाएगा, M2SO4 प्लस हाइड्रोजन. ये किसका प्रिपरेशन हो गया, मेटल सल्फेट का प्रिपरेशन हो गया. और नाइट्रेट्स बनाने हो तो MnO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन. वी कैन प्रिपेयर क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रोजन्स, नाइट्रेट सॉरी. अब इनमें से इंपॉर्टेंट ये है कि मेटल सल्फेट यानी बेरिलियम सल्फेट से लेकर कहां तक, बेरियम सल्फेट तक. फ्रॉम बेरिलियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट stability of the compound, thermal stability increases downward and solubility decreases downward. तो अब हम ये कहेंगे sulfates में हमें नजर आ रहा है कि solubility decrease कर रही है, जो कि पहले हमें दिख रहा था कि solubility सब में क्या कर रही थी, increase. अब सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो उल्टा रीजन सोचो, क्या कहोगे, डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी. गॉट इट. इनमें से MgSO4, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट. अगर आपको चैप्टर हाइड्रोजन की एनिमेशन देख, नॉट एनिमेशन, रिकॉर्डिंग्स, अगर आपने चैप्टर हाइड्रोजन की रिकॉर्डिंग्स देख ली या चैप्टर हाइड्रोजन पढ़ लिया तो आपको यह पता चलता है कि हार्डनेस इज कॉज्ड बाय सल्फेट्स ऑफ ग्रुप टू, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो हार्डनेस की वजह ये दोनों है, permanent hardness. Can you imagine that the topic is which one is not soluble? तो सिर्फ ये दोनों जो है वो insoluble है. Solubility decrease जरूर कर रही है लेकिन ये तीनों फिर भी घुल जाते हैं. लेकिन अगर हम carbonates में लिखते हैं, beryllium carbonate, magnesium carbonate, strontium carbonate, calcium carbonate and barium carbonate. प्रेसिपटेट प्रेसिपटेट प्रेसिपटेट. सिर्फ एक है जो सॉल्युबल है वो है बेरिलियम कार्बोनेट और ये पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल. इसका मतलब अगेन सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउनवर्ड. तो कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है. This is method of preparation of chlorides. This is method of preparation of sulfates. MSO4. This is method of preparation of nitrates. तो मैंने अलग अलग से हेडिंग नहीं बनवाई इसलिए मैंने कहा कि ये जो रिएक्शंस की थी यहां पे आपके सॉल्ट बन गए थे. अब आप बताओ अगर मैं लिखूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इनमें से
कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर, मान लो टेम्परेचर T1 से ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप मुझे बताओ जब मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट करूंगी बनेगा MgO प्लस CO2, इन विच केस आई नीड मोर टेम्परेचर फॉर डिकम्पोजिशन, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी गुड, यानी स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट को हीट करना और भी मुश्किल है, यानी T1 यहां पे ग्रेटर देन T2 होगा, यानी जब हम कहते हैं ना थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ गई उसका मतलब होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है, उसको हीट ज्यादा करना पड़ेगा। ग्रुप 2 नाइट्रेट्स decompose to give nitrogen dioxide and oxygen. For example, if we write calcium nitrate on heating, we get calcium oxide plus NO2 plus oxygen. This NO2 is a brown gas, so we can get a brown gas evolved on heating nitrates, right? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर फिनिश्ड विद। नाउ वी हैव द टॉपिक एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। Anomalous behavior of beryllium. Reason आपको पता है, small size और high ionization energy, high polarizing power. ठीक है जी, ये तीन बातें तो हमेशा लिखी आती हो। जो पॉइंट्स वहां लिख के आने हैं वो आपको बताओ जी, बताओ जी, बेरिलियम रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, यानी एम्फोटेरिक, बाकी तो एम्फोटेरिक नहीं है, तो आपके पास पहला पॉइंट है बेरिलियम इज एम्फोटेरिक व्हाइल अदर्स आर नॉट, ये आप लिख सकते हो। सेम वे बेटा बेरिलियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक, फिर आपने लिखा था बेरिलियम इज वेरी लेस रिएक्टिव, वो एयर से ऐसे ही नहीं रिएक्ट करी जा रहा था, राइट? तो आपने कहा कि बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता, बेरिलियम प्लस वाटर देयर इज नो रिएक्शन, तो ये प्रूव कर रहा था कि बेरिलियम बहुत कम रिएक्टिव है, वो एनोमलस है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं करता, बेरिलियम हाइड्राइड बनाना एक मुश्किल काम था, आपको बेरिलियम हाइड्राइड के लिए ये रिएक्शन करना पड़ा, जबकि मैग्नीशियम को हाइड्रोजन के साथ हीट करो तो आपको हाइड्राइड मिल जाता था,
इसका मतलब बाकियों से मैच नहीं कर रहा, बेरिलियम हाइड्राइड स्पेशली प्रिपेयर करना पड़ता है बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. फिर हम कहेंगे सिर्फ बेरिलियम का कार्बोनेट सॉल्युबल है, ओनली बेरिलियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल. फिर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है बेरिलियम कार्बाइड, जब बेरिलियम का कार्बाइड बनाया गिव्स मीथेन, बाकी भी कार्बाइड तो मीथेन नहीं देते. राइट, बेरिलियम नाइट्राइड, बेरिलियम क्लोराइड, ये सब कोवेलेंट थे, दीज आर कोवेलेंट. तो ऑल दीज आर इन फेवर ऑफ बेरिलियम एम्फोटेरिक, यानी आप कह सकते हो बेरिलियम स्पेशल है, डिफरेंट है, एनोमलस है. अब बेटा बेरिलियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, ये भी किया था. रीजन क्या था? स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये भी उसकी एनोमलस बिहेवियर में रिकॉर्ड किया जा सकता है. अब आपके पास ब्रिलियम का एनोमलस बिहेवियर हो गया, तो आप जरा देखो ये देखेंगे. चलो इसमें क्या हुआ, ब्रिलियम इज एम्फोटेरिक, दो पॉइंट लिखे थे. नाउ वी हैव बेरिलियम इज डायगोनली रिलेटेड टू एल्यूमिनियम. तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास बन जाता है डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम, रीजन अभी भी सेम है, सिमिलर साइजेस, सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन. एनोमलस बिहेवियर में सबसे पहले आप कहोगे बोथ आर एम्फोटेरिक. बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक हैं, दोनों की रिएक्शन दे सकते थे आप. अब जब मैंने कहा एम्फोटेरिक तो आप वहां पे ये रिएक्शंस लिख सकते हो, एक ही रिएक्शन बार 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 आ रही होती है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल है. आप अगर ध्यान से देखोगे तो सेम ही रिएक्शन आप बार बार लिख रहे हैं. बेरिलियम का कार्बाइड Be2C प्लस वाटर क्या बना था? मीथेन. राइट, तो सोचो जरा एल्यूमिनियम कार्बाइड आपको क्या देता है? Al4C3 प्लस वाटर अगेन गोइंग टू गिव अस मीथेन. तो यहां वो डायगोनली रिलेट हो रहा है, जैसे बेरिलियम कार्बाइड इज लीडिंग टू मीथेन फॉर्मेशन, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड इज लीडिंग टू मीथेन फॉर्मेशन. ड्यू टू स्मॉल साइज बेटा बेरिलियम कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिसीव कर लेता है. स्मॉल साइज में कोवेलेंट टेंडेंसी बहुत है ना, तो कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है. स्मॉल साइज है तो एस इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? 2s2p में जाएगा, तो जो डोनर है उसके इलेक्ट्रॉन को बहुत स्टेबिलिटी मिलती है. बेरिलियम एंड एल्युमिनियम बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. देखो जरा बेरिलियम अगर दो फ्लोरीन से जुड़े तो आपको समझ आता है, लेकिन अगर बेरिलियम चार फ्लोरीन से जुड़े तो समझ नहीं आता ना, फिर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा. तो
तो आपको मिलता है BeF4 1-2-, ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स तो बना। ऐसे ही अल्युमिनियम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर बॉन्डिंग कर रहा है तो अल्युमिनियम 6 बॉन्ड्स तो बना नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 6 वाटर आर कोऑर्डिनेटिंग विद अल्युमिनियम, कोऑर्डिनेशन वाटर ऑक्सीजन से कर रहा है, ठीक है। तो अगेन अल्युमिनियम इज फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। एल्युमिनियम एंड बेरिलियम बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। BeF4 में 2- क्यों आया? क्योंकि बेटा जिसने कोऑर्डिनेट किया है वो 2- है, F-, F-, तो न्यूट्रल बेरिलियम फ्लोराइड था और उसमें 2- ऐड हो गए तो न्यूट्रल प्लस 2- इज 2-। हाँ जी, हाँ करो। यहाँ आपने बनाया बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, चेक, ठीक आंसर आया। और यहाँ बन जाएगा अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये दोनों रिएक्शन तो ठीक हो गई। सीख लो ये रिएक्शन, आप भूल जाओगे वरना। अगर मैं लिखूं NaBe तो बेरिलियम पे क्या चार्ज होता है बेटा? 2+। सोडियम पे 1, तो ऑक्सीजन 3 तो हो नहीं सकती थी, तो ये टोटल कितने पॉजिटिव हो गए? 4। और ऑक्सीजन कितने लगा दिए मैंने? 2। 2 सोडियम 2+, 1 बेरिलियम 2+, टोटल हो गया 4+। ऑक्सीजन -2 होता है, 2 2s are 4- स्टेबल कंपाउंड प्लस वाटर। अब इधर देखो, बताओ जी सोडियम और एल्युमिनियम टोटल कितना पॉजिटिव हो गया? 4 तो हो ही गया। अब सीधे ही ऑक्सीजन 2 लगा दो, सोडियम मेटा एलिमिनेट प्लस वाटर। यहां आपने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिखना था और यहां एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी बेरिलियम मेटा एलिमिनेट नहीं, सोडियम कौन सा? परक्लोरिक एसिड, HClO4। HI बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, रीजन उसका रीजन होता है बेटा, किसी का भी एसिडिक करेक्टर पानी में जाने के बाद पता चलता है, तो पानी में जाने के बाद वो जो HI है वो आयोनाइज हो जाता है टू गिव अस H+, H3O+ + I-,
तो उसकी वो जो डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी है उसका जो के ए वैल्यू आता है वो बहुत हाई है. चाहे कोवेलेंट हो तो भी क्या फर्क पड़ता है. मान लो अगर किसी बॉन्ड में ऐसा है तो ये होगा कि ये कोवेलेंट बहुत है लेकिन बॉन्ड तो लंबा है ना. लॉन्ग बॉन्ड क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं. तो बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है. तो जब आप किसी एसिड का एसिडिक करेक्टर देखते हो तो आप उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख रहे होते हो कि पानी में जाएगा, हाइड्रेशन कितनी हुई, बॉन्ड डिसोसिएशन कितना है. फिर बॉन्ड जब टूट जाएगा, जैसे मान लो ये बॉन्ड टूटा, तो अगर मैं ऐसा बनाऊ H प्लस I, तो नेचुरल है फिर H से मैंने पॉजिटिव बनाया होगा, I से I नेगेटिव भी बनाया होगा. फिर H पॉजिटिव को हाइड्रेशन देके इसको एक्वस कर दिया और I नेगेटिव भी एक्वस हो गया. तब जाके एक एसिड एसिडिक प्रूव हुआ. तो ये आयोनाइजेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. ये वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है. कोई भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आइंस नहीं देती, एटम्स देती है. तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज यानी इस पूरे प्रोसेस का जो कांस्टेंट निकलता है वो बहुत नेगेटिव है. प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो स्ट्रांग एसिड ही बनेगा. तो एसिडिक करेक्टर जैसे आप सोच लेते हो ना, हम सोचते हैं एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव फटाफट बन जाएगा और ये बहुत धीरे बनना चाहिए. वैसा नहीं है, हर प्रोसेस बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस से मिलकर बना होता है और जिसमें जो डोमिनेट कर जाता है वो रिजल्टेंट बन जाता है. राइट, अभी तो आपके पास ये रिएक्शंस हो गई थी. यहां पहुंचे थे हम, बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट है तो AlCl3 भी कोवेलेंट है. यहां तक तो आपको समझ आ रहा है बेटे. बेरिलियम क्लोराइड डाइमर बनाता है. डाइमर कैसे बनता है, क्योंकि बेरिलियम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती. अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है. ऐसे ही यहां पे ये क्लोरीन कोऑर्डिनेट कर लेगा. तो आप बताओ बेरिलियम को ऑक्टेट से ज्यादा बेटर सिचुएशन मिल गई. ऐसे ही एल्युमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन से कोऑर्डिनेट कर लिया, इधर इस क्लोरीन से. तो दोनों ही डाइमर बना सकते हैं. वेपर फेज में, इन वेपर फेज बेरिलियम क्लोराइड डाइमर होता है. इन वेपर फेज बेरिलियम क्लोराइड इज डाइमेरिक. और इन सॉलिड स्टेट बेरिलियम क्लोराइड इज पॉलीमेरिक. पॉलीमेरिक का मतलब समझ पा रहे हो कि ढेर सारे इकट्ठे जुड़ते जाएंगे. जब आपने पॉलीमेरिक बनाना है तो पॉलीमेरिक बनाओगे कि डायगोनल डायगोनल बेरिलियम क्लोराइड लिखते जाना. डायगोनली बेरिलियम क्लोराइड लिख ली है आपने, ठीक है. और फिर एक कोऑर्डिनेट इधर से, एक इधर से, एक कोऑर्डिनेट क्लोरीन से बेरिलियम की तरफ, एंड सो ऑन. इस तरह से आपको एक पॉलीमेरिक क्लोराइड मिल जाएगा. यू कैन सी दिस इज सॉलिड बेरिलियम क्लोराइड. देखो वेपर फेज में तो बेचारा इस स्टेज में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ना से तो कुछ भला. सॉलिड स्टेट में उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है. So that's about your chemical properties and anomalous behavior of beryllium and aluminium. Diagonal relationship we have done. अब हमारा last topic जो है cement. बेटा खुद पढ़ लोगे cement वाला topic. मैं explain कर देती हूँ, लिखाऊंगी नहीं, लिखने वाला कुछ खास मुझे उस पर लगता नहीं topic में. अब सिर्फ मैंने एक flow chart बनाना है और उसके साथ ही हमारा group 2 खत्म हो जाएगा. आज क्या करें, बस कर फ्लो चार्ट बना दू कि नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे. समझ नहीं आ रहा. चलो ऐसा करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2. वी विल बी फिनिश विद द ग्रुप 2 और बोरोन फैमिली स्टार्ट कर देंगे. यानी हम अगली क्लास में पी ब्लॉक स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है. खुश हो गए हरप्रीत, सबसे ज्यादा खुश हुआ है. बेटा कोई जोक नहीं सुनाएगा आज. प्लस टू